हाय गाइस वेलकम बैक टू एस मोट्स आई एम प्रमोद यादव तो भाई आज लेके आए अपने पास एक तो ये है अपनी टी वी एस रोनिन टू एंड ये है अपने पास रोइन एयरफील्ड हंटर 350 तो इन दोनों का कंपैरिजन होएगा क्योंकि यार ये दोनों बाइक की काफ़ी अपने आप से सिमिलर सी है हाँ सी सी अलग इन दोनों की ये 350 है ये 220 है बट सेगमेंट काफ़ी सेम है देखो लुक सेम है चलने में सेम है और जो बजट है इनका बजट भी लगभग सेम ही पड़ता है कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं तो मुझे लगा एक डिफरेंस करना चाहिए इस पर क्योंकि काफ़ी बंदे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये लेनी चाहिए या फिर ये लेनी चाहिए क्योंकि जब हमने ली थी जब हमने दोनों की टैसाइट ली थी आपने वीडियो देखी हो तो लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना और इस पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं और इस पर भी आएगी तो स्टार्ट करते कंपैरिजन तो उससे पहले वीडियो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करो वहां पे आपको अपडेट्स मिलेंगे चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सो so, भाई सबसे पहली चीज़ की बात करूं जो कि मेन है बाइक कोई भी आप लो तो उसमें देखी जाती है उसकी पावर इसका इंजन तो भाई इंजन की बात कर ले तो भाई देखो जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें विनर रहेगी है क्योंकि 350 फिफ्टी है बट ओनली डिस्प्लेसमेंट से काम नहीं चलता पावर टोर्क का फिगर काफ़ी मैटर करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पर और जो आपकी स्पीड तो अचीव करने में तो बता दूँ यार देखो इसमें जो पावर मिलती है आपको इसमें आपको मिल जाती है ट्वेंटी बी की एंड इसमें भी आपको मिलती है ट्वेंटी बी की मतलब इसमें मिलते हैं ट्वेंटी पॉइंट फोर उसमें मिलते हैं आपको ट्वेंटी पॉइंट टू माइनस सा डिफरेंस है थोड़ा सी इसमें पावर ज़्यादा है बट टॉर्क की बात करते हैं यहाँ पे तो रोल फील्ड की बाइक्स में टॉर्क ही कब से काफ़ी अच्छा मिल जाता है मतलब कि पावर से ज़्यादा टोर्क मिलता है इसमें क्या आपको नाइनटीन पॉइंट नाइन का टोर्क मिलता है बट पिकअप जो है इनिशियल काफ़ी अच्छा है आपने राइड रिव्यू देखा होगा चैनल पर नहीं देखा है तो देख लेना जो इनिशियल पिकअप आता है जैसे आप गेयर शिफ्ट करते हो उसके बाद बहुत अच्छा सा आपको झटका फील होता है तो स्मूथ पावर डिलीवरी भी होती है बट पिकअप काफ़ी अच्छा है एंड इसमें क्या है कि आपको ट्वेंटी सेवन मीटर ऑफ टोरक देखने को मिल जाता है तो जिसकी वजह से क्या है इसका जो पिकअप है काफ़ी बढ़िया हो जाता है एंड ये एंड तक खिंचती है जो आर है पूरा खिंचती है खिंचती ये भी पूरा है बट इसमें टोक कहीं ना कहीं ज़्यादा है तो ये अगर आप दो तीन बंदे भी बैठोगे लोड फील करेगी नहीं ये बाइक तो क्योंकि वेट भी है उसमें तो काफ़ी अच्छी है इसमें पावर के मुकाबले में वो बाइक भी बट देखो ड्रैग रेस आएगी वो तो चैनल पे उसके बाद आपको पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कौन सी कितना कॉम्पिटिट कर रही है पावर फिगर्स में पावर सेम है पिकअप का फ़र्क रहेगा थोड़ा सा उसमें आपको ज़्यादा देखने मिलेगा टोक की वजह से एंड सेकेंड थिंग इंजन की बात कर ही रहे हैं तो भाई इसका इंजन इंजन आपको मिलता है ऑयल कूल्ड और इसमें मिलता है आपको एयर कूल्ड तो ऑयल कूल्ड कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि यार काफ़ी ये जल्दी कूल कर देता है एयर कूल में डायरेक्ट आपके विंड के फ्लो से कूल होता है इंजन तो थोड़ा सा हीटिंग कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा रहेगा वैसे भी जो बुलेट होती है ये रो एनफील्ड की बाइक थोड़ा सा हीट करती है तो ये चीज़ है बाकी इंजन दोनों के अच्छे हैं स्मूथ है चलने में दोनों बाइक काफ़ी अच्छी है सो अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट्स की लाइट के बारे में तो देखो यार मैं बता दूँ आपको एज मिल जाता है लाइट का थोड़ा सा इसमें क्योंकि इसमें आपको मिलता है फ्रंट जो लाइट हेडलाइट वो हेलोजन मिलती है बट इसमें क्या आपको एल ई भी मिलती है ये देखो एल ई डी डी के साथ आपको एल ई डी लाइट्स मिल जाती है जो कि टी शेप की है ये कहीं ना कहीं इसकी लुक को एनहेंस करती है बट दिखने में क्या है इसकी जो राउंड शेप है ये भी काफ़ी अच्छी लगती है इसमें भी आपको ये बल्ब मिलता है एलोजन जो डी आर एल की से मतलब ये ऑन ही रहता है यहाँ पर एलोजन लाइट मिलती है साथ ही साथ इसका थ्रो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यार देखो एल ई डी एज मिल जाता है इसमें क्या आपको एल ई डी इंडिकेटर भी मिल जाते हैं साथ ही साथ यहाँ पर क्या आपको हज़ार लाइट भी मिल जाती है ये इंडिकेटर एलईडी काफ़ी सेक्सी लगते हैं दिखने में भी और काफ़ी लोग तो अलग से आफ्टर मार्केट जाके करवाते हैं हज़ार लाइट्स तो इसमें आपको डिफ़ॉल्ट मिल जाता है कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी रहती है एंड इसमें क्या आपको हेलोजन लाइट मिलती है तो हज़ार लाइट इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है ये हेलोजन है दिखने में तो ये भी काफ़ी क्योंकि यार देख रोयन फील्ड की बाइक है उनमें रेट्रो स्टाइल के इंडिकेटर्स मिलते हैं इसके हिसाब से सूट भी कर रहे हैं बट हेलोजन मिलते हैं एंड तो ये थी लाइट की बात बट जो टेल लैंप है दोनों की ही एलईडी मिल जाती है इसकी राउंड शेप में मिलती है और इसकी दोनों अपने अपने आप में काफ़ी अच्छी है दिखने में एंड नेक्स्ट चीज की बात करता हूँ एलोइस की एलोइ की तो इसमें आपको एज मिल जाता है फिर से क्योंकि इसमें आपको मिलते हैं तो स्पोक एलोई व्हील्स मिलते हैं साथ साथ डायमंड कट एलो मिल जाते हैं मतलब तो दिखने में जो है प्रीमियम लगते हैं डायमंड कट जो कि कार्स में आते हैं यहाँ पे आपको क्या है कि नॉर्मल एलोइ मिल जाते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बट इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा है इसकी जो इसमें आपको नॉर्मल मिलते हैं स्पोक व्हील्स इसमें कुछ थोड़ा सा अलग पैटर्न मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है एंड बात करता हूँ इसके सस्पेंशन की तो देखो इसमें मिल जाता है आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक फोक्स बट जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है क्योंकि सस्पेंशन रोइन फील्ड के काफ़ी अच्छे रहते हैं फ्रंट सस्पेंशन तो आपको ब्रेकर वगैरह सच कुछ फील नहीं होने वाले बट इसमें आपको साथ में बुश भी मिलता है तो ये क्या है कि मिट्टी वगैरह जो लगती है उससे काफ़ी हेल्प करता है क्योंकि मिट्टी वगैरह से बचाता है सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ी सही रहती है एंड इसमें आपको मिल जाता है गोल्डन फोक्स विद यू एस फोक्स मिल जाते हैं तो यू एस फोक्स यार फिर से एज गया इसको क्योंकि यू एस फोक्स कहीं ना कहीं बेटर रहते हैं और बट देखो यार इंडियन के रोड्स के हिसाब से यू

रचके वचके इसमें कुछ फील नहीं होते ऐसे इसमें आपको मिलते कोल्ड स्प्रिंग ये भी आई थिंक एडजस्टेबल है तो मोनोसोग बेटर रहते हैं कहीं ना कहीं तो बाकी राइड रिव में पता चलेगा इसका भी कैसे है सस्पेंशन तो सब बात करते हैं इनके फ्यूल टैंक की तो कितना स्पेस मिलता है बाकी देखो दोनों के ही फ्यूल टैंक काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं दिखने में दोनों की सेफ थोड़ी सी डिफ़र करती है बाकी स्पोर्टी मजा दोनों में आता फील तो इसका मिलता आपको फोर्टी लीटर्स का फ्यूल टैंक और इसका मिलता है आपको थर्टी लीटर का एक लीटर इसमें ज़्यादा पड़ता है एंड बट इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता सही है फ्यूल टैंक एंड अब बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस की इसमें आपको मिलता है वन एट्टी वन एम एम का ग्राउंड क्लियरस रोन इन में एंड हंड्रेड में मिलता है आपको वन फिफ्टी एम एम का ग्राउंड क्लियरेंस तो कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा पड़ता है ग्राउंड क्लियेंस तो यहाँ पर एंड बात करते हैं भाई गेर बॉक्स की तो दोनों में ही पाँच फीट का गेयर बॉक्स मिलता है दोनों ही पीछे हैं छठे गेयर में तो दोनों में ही छः गेयर नहीं मिलते पता नहीं क्यों छः गेर देने चाहिए यार इनको पाँच गेयर यार मतलब साढ़े तीन सौ और दो सौ बीस पाँच गेयर फिर भी तो कहीं ना कहीं ये लैग करता है ये जो सिक्स गियर ये लैक करता है एंड बात करते हैं इसकी सीट हाइट की इसमें मिलती है आपको 790 नाइनटी mm की सीट हाइट एंड इसमें मिलती है आपको 800 हंड्रेड mm की सीट हाइट सीट थोड़ी सी इसकी पिछ वाली थोड़ी सी छोटी है इसकी थोड़ी सी बड़ी सीट है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे शॉर्ट्स में इसकी सीट थोड़ी सी बड़ी है बट छोटी है दोनों के ऐसे कोई बड़ी सीट तो नहीं है दोनों की राइडर के लिए काफ़ी स्पेस है पिलियन के लिए थोड़ी छोटी पड़ती है इसमें आपको जो पिलियन का जो ग्रैब रेल है ये थोड़ा सा अलग मिलता है इसका तो पूरा राउंड शेप भी मिलता है पकड़ सकते हो बट यहाँ पर आप अगर पीछे फुट रेस्ट पिलेन रेस्ट लगाते हो तो उससे थोड़ी सी आपकी लुक डाउन पड़ती है बाकी तो देखो पिलन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता वो बैक रेस्ट बट वही है जिसको लुक चाहिए तो नहीं लगाएंगे माइलेज की बात कर लेते हैं तो जिसमें यार जरूरी है वो चीज़ भी काफ़ी लोग देखते हैं इसमें मिलती है आपको अराउंड फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्यू एम माइलेज जितना हम चला रहे हैं एंड इसमें आपको मिलती है थर्टी टू थर्टी फाइव माइलेज रॉयनफील्ड की बाइक में थोड़ी सी कम रहती है टी की माइलेज काफ़ी अच्छी रहती है बात कर लेते हैं टो स्पीड की सो टो स्पीड की बात करें तो भाई इसमें आपको देखो हमने रेस भी करी थी इसकी टो स्पीड आराम से चली गई सी के आसपास 130 के बाद ये है 136, 135 इतनी खींचती है 130 तक आराम तक जाती है 140 टच नहीं कर पाए थे क्योंकि विंड ब्लास्ट काफ़ी था के एम हाईवे पे गए थे सो बाकी 140 तक मैक्स है इसकी सुपर नहीं जाएगी एंड इसकी टॉप स्पीड अटैम्प्ट हमने अभी नहीं किया है बट एट एन आइडिया इसकी जो टॉप स्पीड अचीव कर सकती है ये भी एक तक ही जाएगी उससे ऊपर तो एक चली जाएगी क्योंकि देखेंगे वो तो टॉप स्पीड करेंगे तो एंड नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने कवर कर ही दी है वैसे तो आवाज सुना देते हैं जरा एक बार इन दोनों की सो so, ये है एंटर की आवाज काफी अच्छी आवाज है आइडल में कुछ ऐसी आवाज आती है एंड इसमें आपको इंटीग्रेटेड स्विच मिलता है यहाँ सेल्फ स्टार्ट दे सकते हो एंड यहाँ पे कट कर सकते हो इंजन हजार लाइट का ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मीटर में इधर आपको ये बटन कुछ अलग ही शेप के मिलते हैं रोन फिर ने अभी कुछ टाइम से स्टार्ट किया है ये लाइट पास वगैरह का हॉर्न काफ़ी लाउड है तो क्वालिटी इनकी भी काफ़ी अच्छी है थोड़ा सा नया सा डिज़ाइन मिलता है इसकी बात करते हैं साउंड की मीटर का कुछ डिज़ाइन इसका ऐसा मिलता है डिजिटल आइडल में ऐसी आवाज आती है इसमें तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा बेसियर है और थोड़े से मतलब अलग लाउड सी आवाज़ है इसकी थोड़ी सी स्मूथ पड़ती है तो ये पर्सनल चॉइस है बट मेरे को उसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी लगी है एंड ये जब भगती है तो इसमें भी काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है और बाकी इसके बटन्स की क्वालिटी बात करूँ तो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है डिफ़ॉल्ट टॉप मॉडल में रोन uh, इन में तो इसमें आप एसम एस एलट ये सब चीज़ ले सकते हो नोटिफिकेशन वगैरह बट उसमें क्या आपको पाँच हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अगर आपको लगवाना है तो डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलती साथ में तो ये चीज़ है एंड नेक्स्ट चीज़ की बात करूँ तो देखो लुक देख लो लुक की बात कर लेते हैं फिलहाल ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है तो ये अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि भाई किसको कौन सी अच्छी लगती है बट पर्सनल बात करूँ तो यार देखो दोनों ही दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है बट ये है लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा लुक के मामले में प्रेफर कर रहे हैं मैंने देखा है एंड इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है बट ये थोड़ी सी और अपने आप में कम्फर्टेबल हो जाती है बाइक क्योंकि इसका जो पोस्चर हैंडल बार का वो अपराइट है इसका थोड़ा सा लोवेस्ट है तो ये चीज़ है बाकी वाइब्रेशन की बात कर लें तो इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है हैंडल बार पे इसमें वाइब्रेशन कम मिलता है तो ये स्मूथ स्मूथर साइड पड़ती है तो ये थी बाकी बाकी <laughs> लुक की बात करूँ तो यार देखो दोनों तो ही बाइक काफ़ी अच्छी है बाकी आप कमेंट करो आपको किसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगती है तो गाइज अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तो गियर लीवर और इनके क्लच लीवर है उसमें भाई डिफरेंस है थोड़ा जो रोनिन में है वो आपको थ्री स्टेप एडजस्टेबल मिलते हैं गियर भी और आपका ब्रेक लीवर भी जो इसका गियर लीवर और ब्रेक लीवर है वो आपको एडजस्टेबल नहीं मिलता है देखने को एंड इसमें आपको स्लीपर क्लच भी नहीं मिलता उसमें आपको स्लीपर क्लस देखने को मिलेगा एडवांटेज आती है उधर एक आपको स्मूथ मतलब मिल जाता है भाई आपके हाथ में पेन नहीं होगा ये है भाई ये थोड़ा टाइट है अगर आप गेयर चेंज करोगे तो थोड़ा टाइट दबाना पड़ता है दिक्कत आती है उसमें बाकी अगली बात करें जो बैक प्रोफाइल है भाई इसकी आपको मिलती है वन फोर्टी की और रोनिन इन की आपको मिल जाती है वन थर्टी की तो इसमें आपको ग्रिप ज़्यादा मिलेगी एंड कॉर्नरिंग करोगे तो इस पर आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा वैसे आएगा इस पर भी बट इसमें ब्लॉक टायर मिलता है आपको इसमें आपको स्पोर्ट टायर मिलता है थोड़ा बहुत डिफरेंस पड़ पड़ जाता है और आगे बात कर लेते हैं भाई इसके मोड मिलते हैं आपको इसके अंदर तो मोड की बात करें भाई आपको इसमें मिल जाते हैं अर्बन एंड रेन मोड जिसमें आपके बस पावर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ए बी बढ़ जाती है रेन मोड में अगर आप कीचड़ में चल रहे हो तो ए ज़्यादा किक इन करेगा आपको फिसल नहीं देगा इसमें भाई वही नॉर्मल ए बी आपको मिलते हैं इसके अंदर कोई मोड नहीं मिलता आपको इसके अंदर ऐसा रेन वाला अर्बन वाला तो एक ये फीचर इसमें ज़्यादा आ जाता है और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है आपको जी टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है अगर आपने हाथ छोड़ भाई ये वाला रेस वाला तो आपकी बाइक चलती रहेगी कोई से गेय में लगा लो आप पाँचवें में लगा लो पच्चीस से तीस की स्पीड पर ही आपने आप चलते रहेगी वैसे फ़ोन उठाना नहीं चाहिए बाइक चलाती बाइक बट कभी कभी एमरजेंसी होती है तो आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो और अगर आप भीड़ वाले एरिया में उसमें भी आराम से यूज़ कर सकते हो आपको मतलब बाइक बंद नहीं करनी पड़ेगी क्लच नहीं दबाना पड़ेगा वो दिक्कत आपकी यहाँ पे कम हो जाती है जो कि इसमें आपको कोई टेक्नोलॉजी ऐसी कुछ नहीं मिलती एंड ब्रेक की बात कर ले वैसे ब्रेक दोनों बाइकों के काफ़ी अच्छे हैं बट इसमें आपको पता नहीं कौन सी कंपनी के ब्रेक मिलते हैं कोई नाम नहीं लिखा बट जो आपकी फील्ड है उसमें आपको बाइबर एंड पीछे शायद निशन के ब्रेक देखने को मिल जाते हैं जिनकी भाई क्वालिटी काफ़ी अच्छी है ब्रेकिंग मेरे हिसाब से काफ़ी सही होगी इसके अंदर तो ये ही कुछ डिफरेंस थे जो कि आप प्रमोद ने बताए और मैंने आपको बताए तो ये कुछ इसका कंपेरिज़न था वैसे बाइक दोनों काफ़ी बढ़िया है दोनों बाइक दो लाख के अंडर में आती है बस सीसी का फ़र्क है ये 350 फिफ्टी सी सी है ये टू ट्वेंटी देखने को मिलती है अगर आपको सी सी वाई मैटर करते हैं आप ज़्यादा सी सी का लेना चाहते हो बट उसमें आपको एवरेज कम मिलेगी तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो अगर आपको स्मूथ राइड चाहिए कम सी सी वाली बाइक चाहिए भाई शुरू में ज़्यादा पावर नहीं चाहिए वैसे पावर दोनों में सेम है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो फीचर इसमें ज़्यादा मिलेंगे उसमें आपको समझते हो कि भाई रो एनफील्ड एक रो बाइक होती है तो एक हिसाब से वो मिलेगी बट उसकी भी लुक काफ़ी अच्छी है तो ये कुछ भाई इसका कंपेरिजन था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड चैनल को करे सब्सक्राइब और इसकी है ना एक ड्रैग रेस भी आएगी बाकी जीरो टू सिक्सटी जीरो टू हंड्रेड ये सब भी आएगा अभी आने वाले टाइम में तो चैनल पे बने रहे स्टेट ट्यून बाय